हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम जेस्ट में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि RRB JEE CBT 2 के जो कट ऑफ रह सकती है या जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रह सकते हैं वो कितने रह सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है या किन किन बातों पर आपको गौर करना है, मैं आपको आज इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन कैंडिडेट के मिनिमम मार्क्स से ऊपर मार्क्स हैं या मिनिमम मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स हैं वो कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। कुछ नहीं पता किसी को भी कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि RRB जो कट ऑफ है, मिनिमम कट ऑफ जो कट ऑफ है वो मिनिमम मार्क्स पे लगा दे। ऐसा भी हो सकता है कि RRB कट ऑफ इतनी हाई लगा दे कि किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन ना हो जो मिनिमम मार्क्स थे जिनके। ऐसा ही हो सकता है कि RRB जो है जो इस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हुए थे क्रीमी लेयर उठा ले, बस बाकी सब प्रोटेस्ट करते ही रह जाएं, जैसा कि आपने CBT 1 में देखा था। कुछ भी हो सकता है, ये सब हम जो बता रहे हैं और YouTube वाले चैनल जो बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, जो आप सोच रहे हैं, सब कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी किसी को पता तो है नहीं। मैं भी कोई RRB का अथोराइज्ड पर्सन तो हूँ नहीं, या मैंने पेपर बनाया था या मैं कट ऑफ बनाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ़ एक अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो मानना है, जो CBT 1 क्लियर करके आए हैं, CBT 2 में अपीयर हुए थे कैंडिडेट, अगर उनके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, जैसे जनरल के लिए 40% था तो उनके 60% 60 नंबर से ज़्यादा बन रहे हैं, SC OBC के लिए 30% था उनके 45% से ज़्यादा बन रहे हैं, SC ST के लिए शायद 25% था, तो उसके अगर 25% से ज़्यादा बन रहे हैं तो उन्हें ये मानना चाहिए कि हम एक क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं जो RRB वालों ने रखा था कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। आप ये सोच के चलिए कि अगर किसी पेपर का स्टैंडर्ड पहले से ही डिसाइड है कि इसके अंदर आपको 30% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई रखे गए हैं, 40% मार्क्स क्वालिफाई रखे गए हैं, तो आप खुद सोचिए कि उसके अंदर क्या आप 90% 100% 80% नंबर ला सकते हैं। ये कह सकते हैं कि आपने कहा पेपर इजी आया था, मैंने कहा पेपर इजी आया था, किसी और ने कहा भाई पेपर बहुत आसान आया था, मैंने तो 150 के 150 कर दिए, किसी ने कहा भाई पेपर बहुत आसान था, मैं 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पेपर इतना आसान था कि आज से ज़िंदगी में इतना आसान पेपर नहीं आया। अगर कोई ऐसा कह दे, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो तो वही कैंडिडेट बता पाएगा जो उस पेपर को करके आया है और जो उस पेपर में अपीयर हुआ था और उसके अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे और उसके मार्क्स बता सकते हैं। यूट्यूब पर मैं भी बता सकता हूं कि मेरे 150 में से 140 आए हैं, आप भी बता सकते हैं कि आपके 150 में से 150 आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग या जो कैंडिडेट बता रहे हैं कि उनके 60% मार्क्स आए हैं, 80% मार्क्स आए हैं, वो झूठ हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो CBT 1 क्लियर करके गया है उसने मेहनत तो की होगी, लेकिन मैं आपको उम्मीद रखने के लिए कह रहा हूँ कि आप उम्मीद ना छोड़ें। अगर आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से ज़्यादा बन रहे हैं तो आप उम्मीद ना छोड़ें, अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें। क्या पता ऐसा हो जाए कि आप वेटिंग लिस्ट में भी ना रखे गए हों और आप सेलेक्ट कर लिए जाएं और पता चला कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो तैयार ही नहीं थे, आप तो वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से ज़्यादा कैंडिडेट ला रहे हैं मार्क्स, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है और अब आप उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने पेपर दे दिया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, आपको देखना है, आपका हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आप RRB पर केस कर दोगे कि मेरा पेपर क्लियर क्यों नहीं करवाया, मेरे इतने नंबर थे। ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं, अगर एक चीज़ आप समझ सकते हैं, जो सिविल के कैंडिडेट हैं, स्पेशली सिविल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी कट ऑफ जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल होते वाले होते हैं उनसे 5-8% तक कम जाती है। अगर एग्जांपल से समझिए,
अगर मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ है वो 60 गई, एग्जांपल से समझिए, ये एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं है कि 60 ही जाएगी, ये एग्जांपल है कि अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ जो है 60 गई, तो सिविल की जो कट ऑफ है वो 52 या 54 तक जाती है। ये मैं यूआर की बात कर रहा हूँ बस, ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि जो सिविल वाले कैंडिडेट हैं वो सेफ समझ सकते हैं अपने आप को। ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर अगर अगर मैंने बोल दिया कि कम जाएगी और आप सेफ समझ सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप 150 में से 33 नंबर ला रहे हैं और अब आप अपने आप को सेफ समझने लगे, ऐसा भी नहीं है। कंपटीशन तो हाई है, ये तो कहना है पड़ेगा ही, क्योंकि पढ़ने वाले कैंडिडेट अब ज़्यादा हैं, लेकिन आप ये देखिए जो आरआरबी के पेपर का लेवल होता है वो क्या एसएससी के पेपर के लेवल से ज़्यादा होता है। जब एसएससी अपनी कट ऑफ, एसएससी जूनियर इंजीनियर जो पेपर होते हैं वो अपनी कट ऑफ एससी के लिए, यूआर के लिए, यूआर के लिए या ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एससी के लिए मेनली 50% रखते हैं, ओबीसी के लिए 54 से 56 तक, और यहाँ यूआर के लिए 60 to 64 चली जाती है। ये सिर्फ मैं सिविल की बता रहा हूँ, और आप अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हैं तो 5 या 7% इसके अंदर और ऐड कर लीजिए। अब ये देखिए कि पिछली बार जो एसएससी का पेपर हुआ था उसके अंदर सिर्फ जो वैकेंसी थी वो 341 वैकेंसी थी, 341 वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आए थे वो करीबन 10 लाख के करीबन एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, और जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे पेपर देने गए थे वो लगभग 5.5 लाख के करीब थे। तो आप लगभग देखेंगे कि एक पोस्ट पर 3 हज़ार के करीब कंपटीशन था जब फॉर्म फिल हुए थे, लेकिन जब कैंडिडेट पेपर देने गए, एग्ज़ाम देने गए, तो वो 3 हज़ार से 1600 या 1500 के आसपास आ गए। यानी कि एक पोस्ट पर जो कैंडिडेट फाइट कर रहे थे वो 1600 के आसपास कर रहे थे, यानी कि देखिए कितना डिफरेंस आ गया। ये फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर भी उनकी जो कट ऑफ थी वो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, एससी के लिए, सिविल और इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में थोड़ी हाई गई थी, लेकिन जो सिविल में थी वो 50-60 के बीच में ही थी, और जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में थी यूआर के लिए वो 70 या 65, मतलब 60 क्रॉस कर गई थी, 60 से 70 के बीच में थी। आप देख लीजिए कि जब एक पोस्ट पर इतने कैंडिडेट थे, 1600-1500 कैंडिडेट थे, तब जाकर एसएससी ने जो कट ऑफ है वो डिज़ाइन जो की है वो 50 से 60% की है अधिकांश केस में, ज़्यादातर केस में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आरआरबी की कट ऑफ हाई जाएगी, हाई जा सकती है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी जोन पे हाई जाएगी। किसी किसी जोन पे ऐसा भी होगा कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पे ही आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, किसी किसी जोन में ऐसा होगा कि आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने के बाद भी क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो ये जोन पर भी डिपेंड करेगा, और वहाँ की जो शिफ्ट हुई है कितनी, कौन सी हार्ड शिफ्ट है, कितने मैक्सिमम मार्क्स आए हैं शिफ्ट के अंदर, कितने मिनिमम मार्क्स आए हैं, ये सब आपको आपके पेपर को, एग्ज़ाम को, रिजल्ट को, नॉर्मलाइजेशन को सब आप इफ़ेक्ट करता है, उसके बाद रिजल्ट तैयार होगा। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है कि आरआरबी की लॉ कट ऑफ जाएगी, उसमें आप मैंने उसके फैक्ट बताए हैं कि कौन कौन से फैक्ट जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी आरआरबी जूनियर इंजीनियर या आरआरबी से रिलेटेड या किसी भी और एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं, और आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। बेल आइकन के दबाने से ये होगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी और सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू।